खुद के ऊपर बिलीव नहीं करना और दूसरे की ओपिनियन के बारे में सोच के जो काम आप करना चाहते हो उस काम को नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके ऊपर आज का मेरा टॉपिक है इस AMA सीरीज में। और इस AMA सीरीज को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अब शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का टॉपिक है लोग क्या सोचेंगे, बेसिकली लोग क्या सोचेंगे। ओके, और बहुत लोगों का ये सवाल आता है, क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हम ना, हमें लगता है कि हम अभी उतने परफेक्ट नहीं है कि हम किसी को कुछ सिखा सकें, या फिर मुझे नहीं पता कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा या क्या रिप्लाई देगा, इस कारण मैं कहीं ना कहीं रुक जाता हूँ, कहीं रुक जाती हूँ। सामने से ना, मैंने एक बार चालू किया था काम करना, लेकिन सामने से कुछ किसी ने ऐसा बातें बोल दिया, मुझे बहुत खराब लगा, मुझे नहीं करना ये काम। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, अभी कर रहे हो या फिर जब आप आगे काम करोगे तब आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप काम करोगे तो कोई लोग ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव कमेंट्स देंगे, जो आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे, जो आपके काम को डायरेक्टली गाली देंगे, खराब है या फिर थोड़ा सुधार ले, ऐसा भी नहीं, डायरेक्टली बोलेंगे कि बहुत घटिया है, बहुत गालियाँ देंगे। ठीक है, इस तरीके के होते हैं लोग। और इन चीज़ों को समझना, दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पेशेंस का खेल है, पेशेंस बनाए रखना इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताऊंगा, उस चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, और जब जब भी आप दिमाग में इन बातों को याद करोगे आपको हिम्मत मिलेगी आपको काम करते रहने की। कुछ लोग हैं जो YouTube पे आना चाहते हैं, क्रिएटर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन कंटेंट बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं और अपने जो नॉलेज उसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों के कारण रुक जाते हैं, खासकर ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे। अब सामने वाले की माइंडसेट को समझ जाओ एक बार, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। सामने वाला जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सामने वाले ने कुछ गालियाँ लिखी कमेंट में, या कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, या फिर कुछ बुरा भला आपको बहुत ज़्यादा कह रहा है, तो समझो वो आपसे कम काम कर रहा है, आप ऑलरेडी उनसे आगे हो। ठीक है, अगर वो आपके लेवल का काम कर रहा होता या आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता तो वो आपके काम की इज्जत करता, उसको पता होता कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, किसी एक आर्टवर्क को बनाने में, ये सब उसको पता होता। पर वो नहीं कर रहा है तभी वो गाली लिख रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कितनी मेहनत लगती है, तो आपसे वो ऑलरेडी पीछे चल रहा है, इसलिए उसकी बातों को ध्यान नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी लाइफ में कोई चीज़ें अच्छे से नहीं जा रही, उसके घर में खुद लड़ाई चल रही है, वो खुद अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, खुद वो जो चीज़ करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, इसलिए वो आपके कमेंट में गालियां दे रहा है या फिर आपको वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई मुझसे आगे निकले, ये जेलसी एक होती है। तो इस कारण ये कारण है जिसके कारण वो ऐसी बातें लिख रहा है। तो जब आप ये सब समझ जाते हो तो आपको समझ आता है कि यार मैं तो उससे ऑलरेडी आगे हूँ, कोई कमेंट में इस तरीके की बातें लिख रहा है तो मुझे उससे अफेक्ट हो कि अपना काम बंद नहीं करना है। गॉट इट। एक बात याद रखो यार हमेशा, कि हम ना जितने भी लोग हैं, हमें ना एक ना एक दिन मर जाना है सबको। ठीक है, हम सब एक दिन मर जाएंगे और हमारे पास ये रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए कि काश हम कर लिए होते, काश उस समय वो चार आदमी बोल रहे थे उनकी बातें नहीं सुनी होती, ये रिग्रेट लेके नहीं मरना है। ओके, तो आपको कोई भी अगर काम करना है, ऑनलाइन यूट्यूब पे आना है, क्रिएशन करना है, वीडियोस बनाना है, किसी आर्टवर्क को आप बना रहे हो तो उसमें और प्रैक्टिस करनी है, 100% देना है, आगे बढ़ने का मन है, लेकिन आप ये सोच के शुरू करो कि लोग क्या बोलेंगे, तो आप ये समझना कि वो लोग जो आपको बोल रहे हैं वो पलट जाते हैं, एक पहली बात जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो। दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, उनका मोटिव ही होता है कि आपको गालियां दें, आपको पीछे धकेले, तो उनकी बातों को देखना नहीं है। और 90% लोग वैसे भी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, लेकिन वो 10% लोग हैं ना जो आपको बुराइयां करते हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा चले जाता है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हम इतनी मेहनत करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे और सामने वाला लोग गाली देगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के कारण हम ये बहुत डिप्रेस होके काम रोक देते हैं। लेकिन आप समझना कि जो लोग पॉजिटिविटी की साइड है उनकी तादाद हमेशा ज्यादा रहती है, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा ज्यादा रहते हैं। ओके, आपको आपके काम की अप्रिशिएशन करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उनको प्यार से कोई अच्छा सा रिप्लाई दो, डिलीट करने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आप डिलीट करते चलो ये भी जरूरी नहीं है, कमेंट कर रहा है प्यार से रिप्लाई दो, आगे बढ़ो। ओके, धीरे धीरे आपका ये फोकस बढ़ता चला जाएगा। जब आपको लोग गाली दे रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है, और तब भी आप अपने काम में अड़े हुए हो ना, तब आपका फोकस और स्ट्रांग होता है, फिर आप और स्ट्रांगली किसी काम में फोकस कर पाते हो। ठीक है, कुछ कमेंट्स होते हैं जो आपको समझा रहे होते हैं कि आपकी लाइटिंग और सुधर सकती है, आपका वॉइस और सुधर सकता है, या फिर और कुछ आपका सुधारा जा सकता है, इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हो, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। जब आपको कोई पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर रहा है पॉजिटिवली, तो उससे आप कुछ सीख सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का काम होता है जो जानबूझ के ही आपको चाहते हैं कि आप टेंशन लो, आप उनके कमेंट्स पढ़ो, आप ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा
तवज्जो दो, बोलते हैं ना जो उसको ज़्यादा अटेंशन सीकर जो होते हैं, अटेंशन दो, तो इस तरह के लोगों को आपको ऑटोमेटिकली आप हैंडल करना सीख जाओगे टाइम के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको समझना इन सब लोगों के कारण, अपना काम मत रोकना, मैं बार बार बोल रहा हूँ अपना काम मत रोकना, बाद में रिग्रेट होगा। अभी अटक गए ये सोच के कि लोग क्या बोल रहे हैं, कोई मुझे गाली दे रहा है, वो क्या पता वो सही बोल रहा हो, ये सब सोच के अगर आप रुक गए और अपना काम करना छोड़ दिए तो डेफिनेटली आपका काम ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। एक टाइम के बाद आपको खुद दिखेगा कि मैंने काफ़ी ग्रो कर लिया है। आपके पहले वीडियो से आपका 100वां जो वीडियो होगा ना बहुत अच्छा होगा, ओके, आपका पहले आर्टवर्क से आपका 100वां आर्टवर्क बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो 100वें लेवल तक पहुँचने का जो जर्नी है उसको रोक मत देना, ठीक है, किसी और के कारण। तो अपनी सोच को क्लियर रखो, अपने अपना जो रास्ता है उसको क्लियर रखो। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, नेगेटिविटी के कारण अपने आप को रोकना नहीं है। और जो भी आप लोग देख रहे हो मुझे ज़रूर मुझे बताना कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई काम आपको लगा होगा यार बहुत मुश्किल काम है, लेकिन काफ़ी टाइम करने के बाद आपको लगा होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, मैं फालतू में ही सोच रहा था, फालतू में इतना टेंशन ले रही थी, इस तरीके के माइंडसेट फिर आता है कि मैं अच्छा मैंने कर लिया बहुत, उतना भी मुश्किल नहीं था ये, ऐसा होता है ना कई बार। तो इस तरीके से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कोई भी नया काम कर रहे हो, शुरू में आप नो डाउट हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब रुकना नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम के साथ आप ग्रो कर जाओगे। जो लोग आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं वो वहीं रह जाएंगे, लेकिन आप सबसे आगे निकल जाओगे, लेकिन रुकना मत, करते जाओ। ओके, आई लव यू ऑल, आई सपोर्ट यू ऑल, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब आगे बढ़ो अपने काम में, अपने आप को ग्रो करते चलो। मैं सबके कॉमेंट्स वैसे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं पढ़ता सबके कॉमेंट्स हूँ, आप जो भी इतने बड़े बड़े भी कॉमेंट्स लिखते हो ना मैं सबको अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप क्या फील करते हो, आपके अंदर की क्या बात है। तो लिखना, लिखने से वो मत सोचना कि मैं इतना मेहनत करके इतना बड़ा कॉमेंट लिख रहा हूँ कोई पढ़ भी नहीं रहा, मैं पढ़ता हूँ अच्छे से, एक एक बारीकी से पढ़ता हूँ आपके हर एक इमोशंस को, आपके हर एक दिल की बात को कॉमेंट में लिखो, लेट मी नो कि आपके क्या सवाल है, क्या डाउट्स है, ताकि मैं और क्वेश्चंस ले सकूँ, उनके ऊपर वीडियोज बना सकूँ, आपको सॉल्यूशंस दे सकूं। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के शेयर वेयर जरूर कर देना। एंड अब मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।